विश्व प्रसिद्ध नैनीताल जिले में कैची धाम मेले की शुरुआत होने जा रही है। ये मेला कैची धाम मंदिर में 15 जून को लगने जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बार मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीदें हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि पिछले साल मेले में बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाने ले जाने के लिए व्यवस्था के लिए जहां शटल सेवा लगाई जाएगी, तो वहीं निजी गाड़ियों के लिए भवाली में पार्किंग स्थल भी बनाए जा रहे हैं। हल्द्वानी से भी कैची धाम मंदिर तक शटल सेवा चलाई जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले साल भी हमने कैंची मेले में करीब 2.5 लाख के आसपास का फुटफॉल देखा था और बहुत इफेक्टिवली मैनेज हुआ था। हम आशा करते हैं इस बार भी इफेक्टिवली मैनेज होगा। जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा वो लगभग पिछले बार जैसा ही होगा, कुछ उसमें एडिशंस होंगे। जैसे जो भीमताल के वाया भीमताल जो गाड़ियाँ जाएंगी वो नैनी बेंड और तिरछा खेत वाली पार्किंग में वहाँ पर रुकवाए जाएंगे वाहन। इसके अलावा नगर पालिका का ग्राउंड है, करीब 250 गाड़ियों की वहाँ पर हमारे पार्किंग स्पेस है। जो गेठिया और जोलीकोट से होते हुए जाएंगी गाड़ियाँ उनके लिए सैनिटोरियम वाली पार्किंग है। सैनिटोरियम से रातीघाट को रास्ता आता है, वो पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। कैंची की जो अपनी पार्किंग है वो हम आमतौर पर रहता है कि एक दिन पहले ही भर जाती है। और जो पहाड़ से आने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए हम खैरना में पार्किंग करवाएंगे। ये वहाँ इन पार्किंग्स में जो हमारे जो यात्रीगण हैं वो अपने गाड़ियों को पार्क करने के बाद वहाँ से शटल के माध्यम से ही गाड़ियां आगे जाएंगी। शटल के माध्यम से जो हल्द्वानी से होके गाड़ियां जा रही हैं या जोलीकोट के माध्यम से या भीमताल से होते हुए जा रही हैं वो वन विभाग के बैरियर तक जाएंगी, वहाँ से लोग पैदल जाएंगे।